जी, ये जो वीडियो सिलेक्शन है भाई, जो लोग मेडिकल कराए थे और जो लोग मेडिकल कराए हुए हैं जिनका पेंडिंग है, ठीक है, जो लोग मेडिकल करा लिए थे उनका भाई वीज़ा अप्रूवल मिल चुका है, मोफा मिल चुका है, और जो लोग अभी मेडिकल पेंडिंग है, ठीक है, अभी मेडिकल आया नहीं है, फिटनेस का रिपोर्ट या मेडिकल हम लोग के पास आया नहीं है, उनका अब ईद बाद मिलेगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द ला दीजिए, ईद बाद आप लोगों का अप्रूवल कराकर वीजा स्टैम्पिंग करा दिया जाए। और इसमें अभी 50 लोगों का ज़रूरत है, ठीक है, इसमें अभी 50 लोगों का ज़रूरत है, और जो वीज़ा अप्रूवल आया है वो भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। इसमें सेल्फ वीडियो सिलेक्शन है, ठीक है, इसमें सेल्फ वीडियो सिलेक्शन है, और इसमें बहुत ही अर्जेंट काम होगा, जो भी लेट लगेगा वो आपके अंदर लेट लगेगा, जितना देरी से आप मेडिकल कराएंगे, सिर्फ आप इसमें ऑफिस की तरफ से कोई लेट नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट लोगों की तरफ से लेट हो रहा है इस समय, ठीक है। जिसका सिलेक्शन हुआ 10 दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद जा रहा है मेडिकल कराने, तो इसमें हम लोगों की तरफ से कोई लेट नहीं हो रहा है। और सबसे पहली बात, सबसे भाई हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है कि भाई ऑनलाइन हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है, आप लोग डायरेक्ट लाकर डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, ठीक है। बहुत कॉल आ रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं भाई, एड्रेस लिखा रहता है, मोबाइल नंबर लेने से पहले एड्रेस देख लीजिए, ऑफिस देख लीजिए, उसके बाद भाई कॉल कीजिए या जो भी करना है कीजिए, पहले वैकेंसी तो पूरा पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए, डायरेक्ट कॉल करके आपके पास क्या क्या वैकेंसी है, ये सब फालतू की बात भाई बहुत बेकार हो गया है, ठीक है, कॉल उठना बंद कर दिया गया है, ठीक है, और कॉल ना उठाइए तो गलत कमेंटबाजी होना शुरू हो जाता है। तो भाई कॉल करने से पहले एक बार ऑफिस देख लीजिए, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, गोरखपुर ऑफिस है, ठीक है। और इसमें जिन लोगों का वीज़ा अप्रूवल हुआ है वो भी आप लोग को हम दिखा देते हैं, और जो लोग भी भाई इंटरेस्टेड हैं अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए ऑफिस पे। देखिए इनका वीज़ा लगा हुआ है, मोफा मिल चुका है, ठीक है, और ईद ईद बाद 5 से 7 दिन, 10 दिन बहुत लगेगा, 10 दिन में इनका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाएगा। वीज़ा नंबर इनका देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कब लगाया, 29 को लगाया इनका, ठीक है, 29 को लगा, लेकिन 30 को इनका अप्रूवल हुआ। इनका देख लीजिए आप लोग, जो लोग भी भाई यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं, और भाई पहले भी बता दिया गया है कि भाई कंपनी का जिस कोटा में रहेगा उस कोटा में बुलाएगा, लेकिन आपका एग्रीमेंट बाइक राइडर का होगा, जो सैलरी बताया गया है, जो टिप बताया गया है, पूरा वही रहेगा, ठीक है, लेकिन कंपनी का कोटा जो रहेगा वही कोटा में बुलाएगा, ठीक है, जो कंपनी का कोटा है उसी कोटा में बुलाएगा, तो इस चीज़ के लिए भाई कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, जो नहीं समझ सकता है, ठीक है। एक लोग ऐसे ही हैं, सिलेक्शन करा लिए हैं, बोल रहे हैं कि हमारा भाई बोल रहा है कि एग्रीमेंट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, जो कंपनी जो वीजा का कोटा होता है वो वैल्यू होता है। अब किसको क्या समझाया जाए, किसको क्या नहीं समझाया जाए, हम लोग का बस की बाहर है, और जितने भी लोग रहते हैं उन लोग को मालूम है कि कंपनी किसी भी कोटा में बुलाती है, ठीक है, एग्रीमेंट वैल्यू होता है, जिसका एग्रीमेंट होता है वही वैल्यू होता है, ठीक है। तो भाई जो लोग भी इसके लिए हैं देख लीजिए, काम बहुत ही फास्ट है, ठीक है, जिसको भी 1 महीने के अंदर जाना है इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें, 100% काम होगा, लेकिन वीडियो सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में चाहिए, ठीक है, सुबह में देंगे, शाम तक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट अपना गमका मेडिकल के लिए लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, या कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जहाँ भी जाकर करा सकते हैं कराइए, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिक्वायरमेंट है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिए लोग लेट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अभी तक वीज़ा कुछ लोगों का मिल भी गया रहता,
अभी तक लोगों का वीज़ा मिल भी गया रहता तो सबसे ही बोलना चाहेंगे कि भाई वीडियो थोड़ा सा जम कर शेयर कर दीजिए, और बहुत ही फास्ट वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए भाई देख लीजिए, 2500 से लेकर 3000 मंथली बनेगा, ठीक है। 1200 सैलरी है, कमीशन 10 रियाल हर डिलीवरी पे आफ्टर 400 डिलीवरी, ठीक है। 10 रियाल बहुत कम ही कंपनियां देती हैं सब, ठीक है। लेकिन ये कंपनी आपको दे रही है 10 रियाल, आपको सिर्फ लाइट ड्राइवर मिलता है, ठीक है। तो जो लोग लाइट ड्राइवर में भी जा रहे हैं जहेज कंपनी में या हंगरी स्टेशन में, तो 390 डिलीवरी के बाद 10 रियाल मिलता है, वही ये भी कंपनी दे रहा है, ठीक है। बेसिक 1200 प्लस 200, 6 घंटा ओवर, 4 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो सैलरी 1800 हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटा काम करेंगे तो आपका सैलरी 1800 हो जाएगा। और जो लोग भी भाई इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी भाई इंटरेस्टेड हैं, वीडियो सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर ऑफिस पे डायरेक्ट संपर्क करें, ठीक है। CV, पासपोर्ट कॉपी, DL, इतना चीज़ों के साथ डायरेक्ट ऑफिस पे संपर्क करें। CV एक बाइक राइडर को होना चाहिए, ये सब कर कर डायरेक्ट ऑफिस पे संपर्क करें, बहुत ही अर्जेंट वैकेंसी है। और जो लोग भी आएंगे भाई, देखिए 5 तारीख तक तो पूरा बंद रहेगा एम्बेसी, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन आपको दिया जाएगा, सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट आप अपना मेडिकल क्लिनिक के लिए मई के महीने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आज 1 मई है, 30 मई तक आप गिन कर रखिए कि काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेडिकल के लिए तुरंत निकलिए, मेडिकल लेट होता है तो भाई वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। मेडिकल लेट होता है तो आपकी जिम्मेवारी है, और उन्हीं लोगों का भाई काम होगा जिनका डॉक्यूमेंट हमारे पास होल्ड होगा, उन्हीं का सिलेक्शन कराया जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी, और हम लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों ने, और जो लोग भी भाई हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये सब हैं भाई, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, ठीक है। हाथ जोड़ कर बोला जा रहा है, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, आप लोगों को तो जाना है नहीं, सिर्फ फ़ोन करके डॉक्यूमेंट भेजेंगे कि हमारा करा दीजिए। कराने के बाद मेरा भाई बोल रहा है कि ये कंपनी नहीं, वो कंपनी में आओ, यहाँ नहीं वहाँ आओ, तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो ये सब भाई नहीं चलेगा, ठीक है। जो लोग हैं वो लोग डॉक्यूमेंट अपना होल्ड करें और ये अपना काम कराएं, ठीक है। और जो भी पूछना है पहले, सिलेक्शन से पहले पूछिए, जो भी भाई रह रहे हैं या जो लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वहां पर लोग रह कर गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो ये नहीं है कि भाई सिलेक्शन के बाद मेरा भाई ये बोल रहे हैं, मेरा चाचा बोल रहे हैं, मेरे गांव के लड़के हैं वहाँ पे हैं तो ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो भी पता करना है पहले पता कीजिए, और सबसे पहली बात जो बोलता है तो उससे भाई एक वीज़ा मांगिए कि भाई हमको अच्छे कंपनी का एक वीज़ा दे दो, ठीक है। तो भाई देखिए, हम लोग को भी बेवजह परेशान ना कीजिए, और आप लोगों को हम लोग भी बेवजह ना परेशान करेंगे, ठीक है। कॉल करके ये मत पूछिए कि भाई कौन सा वैकेंसी है, भाई 1000 वैकेंसी है क्या बताया जाएगा, ये नहीं कि भाई हम यहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्ट अपना 1 दिन का टाइम है, आप नहीं आ सकते हैं तो भाई हम भी काम नहीं करा सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिस पे आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, डॉक्यूमेंट होल्ड कीजिए, अपना वीडियो दीजिए, ठीक है। सुबह आइए, वीडियो दीजिए, शाम तक सिलेक्शन होगा, तुरंत अपना गम का स्लिप कटाइए, यहीं से लखनऊ निकल जाइए, दिल्ली निकल जाइए, जहाँ निकल कर जाने के बाद आपको मेडिकल कराना है, मेडिकल करा कर ला कर दीजिए, ठीक है। सुबह 10 बजे तक पहुँचिए ऑफिस पे, वीडियो बना कर दीजिए, शाम तक कोशिश रहेगा शाम तक आपको मिल जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। शाम तक मेडिकल मिलेगा, अपना मेडिकल मेडिकल स्लिप कटा कर तुरंत आप जाइए। तो देख लीजिए भाई, क्योंकि हम लोग इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों को 25 कैंडिडेट बहुत लोग धोखा दे दिए हैं, ठीक है। सर बहुत परेशान है, ये है वो है, और यकीन मानिए जिस दिन हम लोग जैसे ही बोलें कि सिलेक्शन ओके हो गया, उसी दिन उसी टाइम 1 घंटे बाद मालूम चल रहा है कि भाई मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं वहाँ हूँ, ठीक है। किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो भाई मेरा गांव का लड़का बोल रहा है कि इस कंपनी में मत आओ, उस कंपनी में मत आओ, तो भाई आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या किया जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं,
लोग समझते हैं कि सिर्फ ऑफिस वाला पागल या बनाता है, लोग ऑफिस वाला फ्रॉड करता है लोग, लेकिन इस समय थोड़ा सा भाई कैंडिडेट लोग भी, तो भाई रिक्वेस्ट है, हम्बली सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिस पर आइए, ऑफिस पर अपना डॉक्यूमेंट होल्ड कीजिए, हम लोग काम कराएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इंग्लिश एक बार चेक कर लीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सब सेल्फ इंट्रोडक्शन ये आप ऑफिस पर बनाइए, ठीक है, या आप घर से बना कर लेके आइए, सुबह 10 बजे तक ऑफिस पर पहुंचिए, आपको शाम तक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, सिलेक्शन मिलता है गम का स्लिप कटाइए, डायरेक्ट लखनऊ या दिल्ली जहाँ का भी कटा कर जाना है जाइए, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला कर जमा कीजिए, तभी होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप एक बार फ़ोन कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद, हम लोग 20 बार फ़ोन कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा है, आप लोगों को अप्रूवल भी दिखा दिए हैं, और मेन बात मेगा रिक्वायरमेंट कंपनी रहेगी, ठीक है, स्पॉन्सर कंपनी है, स्मार्ट डिलीवरी का काम करना है, और दूसरा नंबर बात वीजा कोटा कोई भी हो सकता है, वीजा कोटा एग्रीमेंट, लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है वही एग्रीमेंट मिलेगा, 1200 प्लस कमीशन 10 रियाल ईच डिलीवरी आफ्टर 400, ठीक है, ये लाइट ड्राइवर को मिलता है, जो लाइट ड्राइवर में जाते हैं, लेकिन आपको बाइक में भी मिल रहा है, ठीक है। और भाई नंबर दिया गया, ये फ़ोन करके हर किस ना पूछे कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के लिए डाइसन का पेज है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है, फ़ोन करके ये बिल्कुल ना पूछिए कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं बता पाएगा भाई, ठीक है, इतना माइंड में किसी का नहीं रहता, कोई नहीं बता पाएगा। और जो लोग भी थोड़ा सा देख रहे हैं भाई, वीडियो को बेहिचक शेयर कर दीजिए, थोड़ा काम बहुत ही फास्ट है, और जो लोग भी आएंगे मई के महीने तक वीजा स्टम्पिंग होके मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेडिकल में लेट होगा तो भाई वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ओके भाई। और वीडियो यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, और थोड़ा सा आप लोग देख कर वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़, ओके भाई।